हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अप स्टॉक्स प्रो के अंदर हम ऑप्शन चेन कैसे देख सकते हैं और कुछ ऑप्शन चेन के फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने अपने इस वेब प्लेटफॉर्म पर अप स्टॉक्स प्रो के अंदर लॉग इन कर लिया है और आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पर निफ्टी 50 का जो स्क्रिप्ट है उसके बाद में आप ऑप्शन चेन का जो मेनू है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन चेन खुल जाएगा। आप इस जगह पर एक्सपायरी और सिंबल को चेंज करके दूसरी सभी चीज़ों को चेक कर सकेंगे। जैसे कि मैं एक्सपायरी चेंज करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि 4 अगस्त की एक्सपायरी आ गई है। यदि मुझे सिंबल को चेंज करना है तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर जैसे कि मुझे बैंक निफ्टी सिलेक्ट करना है तो इस तरह से बैंक निफ्टी आ जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी स्क्रिप्ट को भी देख सकते हैं जैसे कि ICICI। तो अभी ICICI बैंक की ऑप्शन चेन मेरे सामने खुल गई है। अभी आप किसी भी ऑप्शन चेन के अंदर आप देख सकते हैं जैसे मैं कर्सर को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर बाय और सेल का एक बटन आ रहा है, उसके साथ में सिंबल इन्फॉर्मेशन और चार्ट, यानी डायरेक्टली आप बाय और सेल कर सकते हैं। यदि आपको मार्केट डेप्थ वगैरह देखना है तो सिंबल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ, ओपन हाई लो वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। और यदि आप चार्ट को देखना चाहें तो यहाँ से आप चार्ट को क्लिक कर सकते हैं तो इस तरह से चार्ट खुल जाएगा। ये वाला चार्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। यदि आपको ट्रेडिंग व्यू नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं स्विच टू चार्ट IQ है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो चार्ट IQ में चले जाएंगे, फिर से क्लिक करेंगे तो आप ट्रेडिंग व्यू में चले जाएंगे। यानी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप यहाँ इस वाले मेनू से देख सकते हैं। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव यदि वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।